लोग ARSA का जो काउंटर है उसका जो लाइन है उसमें हम लोग खड़ा हो गया और इसमें दिख ही रहा है बहुत भीड़ है। टिकट आपको ई चेकिंग करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, तो मैंने भी ई चेकिंग कर लिया था और उसके हिसाब से मुझे अभी लगेज को ड्रॉप करना है और पर पर्सन ओनली वन लगेज बैग अलाउड है। सिक्योरिटी चेकिंग का जो प्रोसीड्योर है दैट इज नॉर्मल, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, जो पहले भी होता था अभी भी है। अगर आप मेरा लगेज में एक गलती से एक ब्लेड आ गया था इसलिए मुझे सब कुछ सामान निकालना पड़ा था। अभी एयरपोर्ट में मेरा 4:45 को फ्लाइट था इसलिए शाम का या सेकेंड हाफ का टाइम में जो एयरपोर्ट है कलकत्ता एयरपोर्ट थोड़ा सा भीड़ था, तो उसके हिसाब से आपको पूरा प्रिकॉशन लेके जाना पड़ेगा। अभी हर एयरलाइन से आपको पीपीई किट, मास्क, हैंड सैनिटाइजर एंड आपका जो फेस शील्ड है वो सबको दिया जा रहा है। तो इसमें मुझे जो इस पैकेट में ARSA से दिया था उसमें एक मास्क था, एक फेस शील्ड, सबके लिए एक एक फेस शील्ड था और जो मिडिल में बैठेगा उसके लिए एक पीपी किट जो है मैंडेटरी है, आपको पहन के बैठना ही पड़ेगा, चाहे आपका फैमिली हो और चाहे आपका दूसरा कोई हो, आपको मिडिल सीट जो उड़ेगा उसके लिए मैंडेटरी बैठना पड़ेगा वो पीपी किट पहन के। यहाँ पे एक्चुअली ज्यादा भीड़ लगा क्योंकि इसके पहले एक इंडिगो का फ्लाइट था वो यहाँ पे छोड़ने वाला था इसलिए यहाँ पे बहुत ही फ्लाइट है, तो इसके लिए हम लोग का जो नेक्स्ट फ्लाइट था उसके लिए अनाउंसमेंट हो गया था, हम लोग उसमें रेडी हो रहे थे अपना अपना सब पीपीई किट, फेस मास्क, एवरीथिंग, तो वो पहन के रेडी होना पड़ा था। तो आपका वो कम्प्लीटली पहन के फिर आपको आगे जाने के लिए वहाँ पे वो लोग उसको छोड़ेगा, लेकिन आपको फेस मास्क शील्ड आपको मैंडेटरी है पहनना ही पड़ेगा। हम लोग फ्लाइट में चढ़ के आए थे और फ्लाइट का टेक ऑफ होने वाला था, लेकिन लकीली एक चीज है कि मेरा जो मिडिल वाला सीट था वो खाली था, मेरा जो टिकट था वो कॉर्पोरेट फेयर के अंदर था इसीलिए मेरा टिकट का जो प्राइसिंग था उसमें मेरा मील्स इंक्लूड था और इस मील्स में मुझे बिरयानी मिला था, दाल मखनी मिला था और उसके साथ जूस भी मिला था। बेंगलोर एयरपोर्ट पे जस्ट हम लोग लैंड किए हैं, हम लोग का फ्लाइट जो था हाफ एन आवर डिले था ARSA का, अभी हम लोग बैगेज कलेक्शन के लिए जा रहे हैं। आपके फ्लाइट जाने के दौरान जो आपको पीपीई किट, मास्क, फेस शील्ड जो भी मिले थे उसको यहाँ पे एक बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन बना हुआ है उसमें आपको वो ड्रॉप करके जाना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी यूज्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे फेंक के जाना सबसे बेटर है, इसीलिए वो लोग भी एडवाइस कर रहे हैं कि आप जो भी है उसको ड्रॉप करके चला जाओ। बेंगलोर एयरपोर्ट में शाम का टाइम था इसीलिए कंटिन्यू यहाँ पे भीड़ भर रहा था, तो बहुत सारा फ्लाइट लैंडिंग हो रहा था शाम का टाइम में इसलिए यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो आपको उसी हिसाब से आपको डिस्टेंस मेंटेन करके अपना प्रिकॉशन लेके फेस मास्क पहन के वहाँ पे जाना पड़ेगा, वो आपको सेफली वहाँ पे जाना।